आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का तो है ही, साथ में ऐसी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है जिसके कि आपको घर के पास ही इलाज की उत्तम सुविधा मिल जाए। प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को हमने जिया है पिछले 3 वर्षों में। सेवा और उत्कृष्टता के मापदंडों पर ही आधारित है हमारी विगत 3 वर्षों की यात्रा। 2 करोड़ से अधिक मुफ्त उपचार कर हमने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम जन तक पहुंचाया है। ऐसा करते हुए हमने सुनिश्चित किया कि योजना का लाभ लिंग, उम्र या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे। योजना के तहत देश भर में महिला और पुरुष लाभार्थियों ने लगभग समान अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोला आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज होगा। आयुष्मान भारत महिलाओं का सम्मान। और अब तक योजना से लाखों लाभार्थियों ने कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लिवर जैसी बीमारियों का मुफ्त और सफल उपचार पाया है। अंतिम जन तक पहुंचने की दिशा में इस वर्ष आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन के तहत लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की कामयाबी की करोड़ों कहानियां योजना और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की साक्षी है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्टेक होल्डर्स के यूजर एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बनाने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म में लगातार नवाचारों का समावेश किया गया है। नित नए अस्पताल आयुष्मान भारत पीएम जय से जुड़ रहे हैं और आज 24,000 अस्पतालों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से लाभार्थियों तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेजेस को लगातार रैशनलाइज कर नए स्वास्थ्य पैकेज जोड़े गए हैं। सेवा हमारा लक्ष्य है और उत्कृष्टता हमारी परंपरा, और हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।